वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। रन मशीन माने जाने वाले विराट कोहली 2020 में कैसे पिछड़ गए। टीम इंडिया के हिटमैन रोहित शर्मा ने सिर्फ 3 वनडे मैच खेलकर भी कैसे साबित कर दिया कि वो अब भी बॉस है। तो चलिए शुरुआत करते हैं विराट कोहली से। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी वनडे मैच में 63 रन की पारी खेलते नजर आए थे। इसके साथ ही साल 2009 से चला आ रहा विराट कोहली का वनडे सेंचुरी का रिकॉर्ड थम गया। दुनिया के महान बल्लेबाजों में शुमार विराट कोहली के नाम अंतर्राष्ट्रीय वनडे में 43 शतक हैं। 2008 में कोहली ने डेब्यू किया। इस साल कोहली ने कोई शतक नहीं बनाया। कोहली ने अपनी पहली वनडे सेंचुरी दिसंबर 2009 में श्रीलंका के खिलाफ लगाई थी। इसके बाद वो कभी भी किसी कैलेंडर ईयर में सेंचुरी लगाने से नहीं चूके। बीते 3 सालों में कोहली ने 17 सेंचुरी लगाई है। 2017 और 18 में 6 और 2019 में 5 सेंचुरी लगाई। इस साल विराट कोहली ने 6 मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और 3 मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले हैं। इन 9 पारियों में उन्होंने 5 बार 50 से ज्यादा रन बनाए हैं, लेकिन एक भी बार शतक नहीं लगाया। कोहली के लिए बतौर कप्तान भी ये साल अच्छा नहीं रहा। विराट ने अपनी कप्तानी में 8 मैचों में से 5 मैच गंवाए हैं। कोहली के सेंचुरी न लगा पाने की एक वजह इस साल ज्यादा मैच न होना भी है। हालांकि कोहली ने इस दौरान एक उपलब्धि भी अपने नाम की है। वो वनडे क्रिकेट में सबसे कम पारियों में 12,000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। अब बात करते हैं रोहित शर्मा की। टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले हिटमैन रोहित शर्मा इस वक्त चोटिल हैं और उनकी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाने की उम्मीद बहुत कम नजर आती है। रोहित शर्मा ने इस साल सिर्फ 3 वनडे मैच खेले, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपना एक रिकॉर्ड बरकरार रखा है। रोहित शर्मा इस साल भी एक कैलेंडर वर्ष में टीम इंडिया के लिए वनडे का सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले क्रिकेटर हैं। रोहित शर्मा ने 19 जनवरी 2020 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेंगलुरु में 119 रनों की पारी खेली थी। टीम इंडिया का कोई भी बल्लेबाज इस साल रोहित शर्मा की इस पारी से बड़ी पारी नहीं खेल पाया। रोहित शर्मा साल 2013 से लगातार हर साल एक कैलेंडर साल में भारत के लिए सबसे बड़ा व्यक्तिगत वनडे स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज हैं। साल 2013 में रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 209 रन बनाए थे। 2014 में श्रीलंका के खिलाफ 264 रन बनाए। 2015 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 150 रन बनाए। 2016 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 171 पर नॉट आउट रहे थे। 2017 में श्रीलंका के खिलाफ 208 रन पर भी नॉट आउट रहे। 2018 और 2019 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 162 और 159 रन की पारी खेली। 2020 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 119 रन बनाए हैं। रोहित शर्मा का व्यक्तिगत रिकॉर्ड कोई भी बल्लेबाज नहीं तोड़ पाया है। 17 दिसंबर से टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिंक बॉल से टेस्ट सीरीज खेलेगी, लेकिन इस सीरीज में रोहित शर्मा का खेलना मुश्किल नजर आता है। रोहित अभी अनफिट हैं और NCA यानी नेशनल क्रिकेट अकेडमी में फिटनेस को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी ही जानकारियों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।